आदमी लोग सजने संवरने में आधा जिंदगी खुद का खराब करता है, आधा जिंदगी दूसरे का खराब करता है। वेरी वेरी nice. ऐसा क्या दिखता है मैं? लग गया क्या? लग गया श्रीदेवी का वाट लग गया। अरे क्या दिख रहा है मम्मी? एक हमीज मिला ना तुमको? नहीं सच्ची, मस्का मारने के वास्ते। आज गॉड को मस्का मारने का दिन है, हमको नहीं। चलो गॉड के सामने प्रे करो, चलो। श्रीदेवी क्या बोल दिया? सारा चलने का स्टाइल ही बदल गया। मम्मी अपुन चलता है। पापा अरे आज क्रिसमस का दिन, तू मम्मी को अकेला छोड़कर किधर जाता है? वो मम्मी अपुन क्या एक लड़की को टाइम दिया है। लड़की? तब तो अपुन भी चलेगा तुम्हारे साथ। ओ मम्मी मम्मी मम्मी, कबाब में हड्डी का क्या काम है? हड्डी देखेगा कबाब कैसा है। कम ऑन, तुम सचमुच देखेगा? मम्मी सचमुच देखेगा राजा। क्या बात करता है? सच बात करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई करता है क्या मम्मी? हम करता है मम्मी। राजा तुम सचमुच देखेगा मामे? सचमुच देखेगा राजा। गॉड ब्लेस मी। ब्लेस यू। ओ क्या करता है ये मामे? ये लोग कभी इधर भीख मांगता है, कभी इधर भीख मांगता है। ठीक बोलता है, ऐसा है। ये आजकल का छोकरा छोकरी लोगों को डांस करना भी नहीं आता राजा। कितना डर्टी, कितना गंदा दिखता है, हमको तो देखने को भी शर्म आता है। शर्म आती है तो आंखें बंद कर लो यू ओल्ड लेडी। ये तो आजकल का लेटेस्ट डांसिंग स्टाइल है यू ओल्ड फैशन लेडी। छगन साला कन्या राशि, क्या बोला तू मेरी मम्मी को? राजा टेरो टेरो हम बात करता है। क्या बोला तुम हमको? हाँ पुराना साइकिल का फ्लैट टायर, अपना थोपड़ा कभी देखा है? ना छोकरा दिखता है ना छोकरी दिखता है, समझा? हमको सिखाएगा तुम डांस? हाँ हम तुम सबको सिखाता है आज। सब बंद करो, देखो। या कम ऑन मम्मी। क्या बात है मम्मी, क्या डांस कर रहा है। कम ऑन मम्मी, यू आर वंडरफुल मम्मी, यू आर सुपर मम्मी, यू आर टू गुड मम्मी। हेलो। हाय। कौन है? अपना कबाब कबाब। ऐसा अपना कबाब है? ए, कौन है? हड्डी हड्डी। कौन हड्डी? मेरा मम्मी। मम्मी? हाँ। मम्मी। God bless you बेटा। Oh my God, Jesus, so pretty. क्या मम्मी? क्या बोलता है? हम बोलता है ऐसा हूर ऐसे लंगूर को कैसे मिल गया? होता है, ऐसा होता है। क्या होता है? 60 साल के बाद ऐसा होता है, आदमी ऐसा बहका बहका बात करता है। आज हम डांस करेंगे तुम्हारे कबाब के साथ। ए मम्मी, ए मम्मी, अरे रंजना क्या हो रहा? रंजना एनी प्रॉब्लम? रंजना हाय। रंजना चलो डांस करते हैं। प्लीज आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे देखो मेरी बात तो सुनो। मुझे जाने दो। प्रॉब्लम है क्या? यहाँ कोई देख लेगा। तुम गर्ल्स हॉस्टल की छत पर जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ।
और सुनो हा? वो ब्लू फिल्म वाली बात किसी से कहना मत। अच्छा? वर्मा से मिलते हुए देखा था, उसके बाद रज्जो हॉस्टल की तरफ चली गई, पीछे पीछे प्रोफेसर वर्मा भी चला गया और उसके बाद रज्जो का खून हो गया। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं बीएनवी कॉलेज का प्रोफेसर आकाश वर्मा बोल रहा हूँ। कॉलेज की एक लड़की रंजना की हत्या हो गई है और मैंने मैंने हत्यारे को देखा है। उसका नाम है, हेलो हेलो, कहा जाएगा? हट जा राजा, हट जा, क्यों किया खून? रंजना का खून क्यों किया? नहीं, मेरी बात का यकीन कर। छोड़ना मत, यही है वो कातिल। नहीं, इनकी बात का भरोसा मत कर। झूठ बोलता है, मैंने नहीं किया। झूठ बोलता है, खून किया। नाटक करता है क्या? नाटक करता है। राजा, राजा, अरे अरे राजा। हाँ मम्मी। तुम लोग इधर क्या करते हैं? तुमको मालूम उधर मर्डर हो गया? हम तो बहुत डर गया। मुझे किसी ने खून करते देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। एक्सक्यूज मी प्लीज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप हमारी बात तो सुनिए। नो कमेंट। डीएनवी कॉलेज मर्डर केस के सिलसिले में हम नई जानकारी चाहते हैं सर। जो हमें मालूम था वो हमने बता दिया। आपने ये नहीं बताया कि मरने वाली लड़की रंजना प्रेग्नेंट थी, क्या ये सच है? जी। इससे आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? इस नतीजे पर कि रंजना और माधुरी की हत्या में एक ही आदमी का हाथ। क्योंकि दोनों न सिर्फ गर्भवती ही थीं, बल्कि दोनों की हत्या एक ही तरीके से की गई, छत से धक्का देकर। हत्यारे का कोई सुराग मिला आपको? जी नहीं, लेकिन एक बात तय है कि हत्यारे एक नंबर का अय्याश है। वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है और जब वो उस पर बोझ बन जाती है तो उनकी हत्या कर देता है। लेकिन प्रोफेसर वर्मा का हत्यारा कौन है? वही जिसने रंजना और माधुरी की हत्या की। ये बात आप किस बिना पे कह रहे हैं? इस बिना पर कि रंजना की हत्या प्रोफेसर वर्मा के सामने हुई, वो उसकी हत्या का चश्मदीद गवाह था और ये बात खुद मुझे फोन पर उसने बताई। ओ, मगर उसने ये नहीं बताया कि उसका हत्यारा कौन था। इट इज नॉट फनी। इससे पहले प्रोफेसर उस हत्यारे का नाम बताते, उस हत्यारे ने प्रोफेसर की हत्या भी कर दी। इस केस में किसी की गिरफ्तारी हुई थी? जी हाँ। किसकी? इस हॉस्टल के
चौकीदार बंदरुद्दीन की।